ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। कबीरदास जी ने ये दोहा लिखा था और इसमें वो कहते हैं कि इंसान को ऐसी भाषा बोलनी चाहिए जो सुनने वाले के मन को बहुत अच्छी लगे। ऐसी भाषा दूसरे लोगों को तो सुख पहुंचाती ही है, इसके साथ खुद को भी बड़े आनंद का अनुभव होता है। लेकिन लगता है ये नेताओं पर लागू नहीं होता, केवल आम लोगों के लिए ही कबीरदास जी ने ये दोहा लिखा था शायद। तभी तो मेवाड़ में भाजपा नेता अपने बड़बोलेपन और नासमझी से पार्टी के लिए लगातार मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं। गोगुंदा विधायक प्रताप गमेती द्वारा एक समारोह में महाराणा प्रताप की तस्वीर को मंच पर पैरों के पास रखने पर घिरी भाजपा के लिए अब शहर भाजपा मंत्री और कार्यालय मंत्री सुशील जैन ने मुश्किल पैदा कर दी है। सुशील ने कांग्रेस के सहव्रत पार्षद गोपाल नागर से बातचीत के दौरान कह दिया कि अगर बनिए नहीं होते तो महाराणा प्रताप भी नहीं होते। महाराणा प्रताप को माल तो बनियों ने ही दिया था। उन्होंने ब्राह्मणों को लेकर भी आपत्तिजनक टिप्पणी की। वे बोले, ब्राह्मणों ने 15 साल में पार्टी को क्या दिया, लिया ही लिया है, उन्हें सिर्फ लेना ही आता है। भाजपा कार्यालय मंत्री जैन के इस विवादित बयान के बाद उदयपुर में एक बार फिर से राजनीति गर्मा गई है। उन्होंने इस ऑडियो को खुद से कोई संबंध होने की बात को हालांकि नकार दिया है। उनका कहना है कि कोई उनकी आवाज में बोलकर उन्हें बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने ये भी तर्क दिया कि वे चावंड के निवासी होने के नाते भी महाराणा प्रताप के प्रति गहरी आस्था रखते हैं। इसी साल मई माह में राजसमंद में हुए उपचुनाव में नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया महाराणा प्रताप को लेकर की गई टिप्पणी पर विवादों में गिर गए थे। तब कटारिया का मेवाड़ सहित पूरे प्रदेश में जमकर विरोध हुआ था। हालांकि कटारिया ने अपनी इस भूल के लिए 3 बार माफी भी मांगी थी और इससे पहले भाजपा प्रदेशाध्यक्ष और सांसद सीपी जोशी की मौजूदगी में वल्लभ नगर क्षेत्र में हुए एक कार्यक्रम में महाराणा प्रताप की छवि को मंच पर पैरों के पास रख दिया। और इसके बाद बवाल मचा तो पूरी पार्टी बैकफुट पर आ गई। इस चूक के लिए प्रदेशाध्यक्ष सांसद सहित सभी प्रतिनिधियों ने माफी भी मांगी, लेकिन लगता है कि इसका असर कुछ हो नहीं रहा और इसको लेकर भाजपा काफी पशुपेश में पड़ गई है कि अपने बड़बोले मंत्रियों को आखिर रोके तो रोके कैसे। अपने ही इवेंट में गेस्ट बनकर आए और सारे अरेंजमेंट्स हम पर छोड़ दें, हम है ना, अपना इवेंट एसके इवेंट से बुक कराएं और हो जाएं टेंशन फ्री। फिर चाहे शादी हो, पार्टी हो या हो कोई कॉर्पोरेट इवेंट, अरे चले कहां, दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। दोस्तों, सीबीसी न्यूज आपके सहयोग से लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वतंत्र पत्रकारिता का सहयोग करने के लिए आपका धन्यवाद। सबसे पहले तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें, जिसका कोई शुल्क नहीं लगता और बड़ा आसान है। बस नीचे दिख रहे लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाना है और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाना है ताकि आपको अपने सीबीसी न्यूज के हर अपडेट्स मिल सके। हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को भी लाइक करें, फॉलो करें, वहां पर भी आपको मिलती है तरह तरह के अपडेट्स। हम पूरे राजस्थान से आपके लिए लाते हैं वो खास खबरें जो आपके लिए जरूरी है और वो भी पूरी बेबाकी के साथ। पत्रकारिता के इस मुश्किल दौर में आपकी आवाज जिम्मेदारों तक पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है और ये आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है। हमारा सहयोग करें, स्वतंत्र पत्रकारिता में अपना योगदान दें और ज्वाइन बटन पर जाकर सदस्यता लें, चाहे सबसे छोटी सहायता के रूप में ही क्यों ना हो। जनता की बेबाक आवाज बने रहें, उसके लिए सहयोग आपको ही करना है। सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन बटन पर क्लिक कर सदस्यता ग्रहण कीजिए।